वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबू का किचन। आज इफ्तार रेसिपी में हम चिकन कुलचा बनाएंगे। आप इस रेसिपी को इफ्तार में एक बार जरूर ट्राई करें। हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चिकन कुलचा बनाने के लिए आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को छोटी छोटी टुकड़ियों में काट लिया है। स्वाद अनुसार नमक, डेढ़ बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट, एक बड़ा चम्मच तंदूरी मसाला, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच रेड फूड कलर, एक छोटा चम्मच सोया सॉस, दो बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस, दो बड़े चम्मच रेड चिली सॉस, आधा कप दही, आधा कप मलाई ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच मरी पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। चिकन को 2 घंटा मैरिनेट करने के बाद एक फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल, 2 बड़े चम्मच बटर ऐड करेंगे। बटर मेल्ट हो जाने के बाद 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक मिनट फ्राई हो जाने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हाई फ्लेम पर 3 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। 3 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद ढककर इसे चिकन कुक होने तक पकाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसी में ही हम चिकन कुक करेंगे। चिकन अच्छे से कुक हो गया है। इतनी ही थिकनेस चाहिए हमें और ये ठंडा हो जाने के बाद और भी थिक हो जाएगा। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। फिलिंग ठंडी हो गई है, अब हम कुलचा असेंबल करते हैं। इस तरह का स्क्वायर शेप में एक फॉइल पेपर लेंगे, रेडीमेड कुलचा ब्रेड लेंगे। अब फॉइल पेपर पर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। बटर लगाने के बाद कुलचा ब्रेड रखेंगे। अब इस पर 1 बड़ा चम्मच जितना मायोनीज लगाएंगे। अब इस पर बारीक कटी हुई कैबेज रखेंगे। अब इस पर 2 बड़े चम्मच जितनी चिकन की फिलिंग रखेंगे। अब इस पर 2 बड़े चम्मच जितना चीज रखेंगे। चीज आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। अब कुलचे को इस तरह से फोल्ड करेंगे, प्रेस करके अच्छे से सेट करेंगे। इस तरह से फॉइल पेपर से इसे कवर करेंगे।
और इसी तरह सारे कुलचे रेडी कर लेंगे। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा बटर लगाएंगे, कुलचा रखेंगे और इसे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। कुलचा को प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। अगर आपको चिकन कुलचा की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।